जग में चानण। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सतारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रताप गुरु निस्तारे। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। वाह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पवलयो। परम सत्कार योग चबर छतर तख्त दे मालक। खंडा ब्रह्मंडा विच प्रकाशमान जागदी जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर। दस गुरु साहबाना की आत्मिक जोत गुरता गद्दी ते सभायमान। धन धन श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी दे विच गुरु नानक पातशाह जी की 10वीं जोत साहिबे कमाल सरबंसदानी कलमिया वाले पिता धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र अवतार पर्व मनाते हुए हफ्तावारी प्रोग्राम समर्पित श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के अवतार पुरब को समर्पित ये समागम थॉमसन बे सिटी दियां सारियां संगतां गुरुद्वारा साहब मैनेजमेंट वालों बड़े ही सुचज्जे ढंग दे नाल और श्रद्धा उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे सुखमनी साहब जी के जाप उपरंत साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी उन्होंने पावन पवित्र जीवन से कुछ विचारों की सांझी करते हैं। और सब तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरण कमलों के विच हाजरियां लवाइए। मन बिरतियां करो अकागर रसना नूं करो पवित्र। कोई भी रसना वांझी न रहे। कलगियां वाले पातशाह ने दिती हुई सानू फतेह। फतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु पातशाह महाराज जी का जीवन जिहड़ा साडी बोलण तो भी बाहर है और लिखण तो भी बाहर है। इसे करके साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपना जीवन जिहड़ा है वह आप बचित्र नाटक के रूप दे विच लिखना कीता है। क्योंकि सतगुरु पातशाह महाराज जी का जिहड़ा जीवन है आप सब जानते हो कि इस जीवन दे विच अज तक जो पातशाह महाराज जी ने करतब किते, जो दुनिया नूं सेध दिती, आदि काल तो लैके हुण तक और इस तो भी अगों हो सकता है गुरु साहिबां के बचनां के मुताबिक भी गुरु दसवें पातशाह महाराज जी के जीवन वर्गा जीवन किसी ने ना जिया और ना ही जिया जाएगा। और सतगुरु पातशाह महाराज जी कलगियां वाले पातशाह जी का त्याग, बहादुरी, दृढ़ता और निरंकार अकाल पुरख वाहेगुरु वालों जो उन्होंने ड्यूटी लगाई सी उसनों हूबहू उस मुताबिक ही पूरा कर किया है। तो आओ आप 1 बजे तक का समा है, जिन्ना समा गुरु साहिबान जी की हजूरी दे विच बतीत हो जाए उन्नियां घड़ियां सफला हन। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी जिन्हों ने जगत जलंधे तारन वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी की 10वीं जोत के रूप दे विच अवतार धारण किया। अपने कोल पौने घंटे का समा है जी। जे आप चाहिए भी इन्ने समय के विच कलगियां वाले पातशाह महाराज जी के जीवन से समुची झात पै जावे नामुमकिन है, पर जिन्नी आपां सतगुरु जी ने बुद्ध बख्शी है उन्नी उस पातशाह जी की याद दे विच आपां समा बतीत करना है। सो सब तो पहला बेनती है जितनी भी संगत आईयां जी जल पानी के भंडारे चली जाते, आप जी जल पानी छको पहला तो फिर आके गुरु दरबार च बैठे हो। और जिन्ना समा असीं गुरु दरबार के विच हाजरियां भरनियां हन उन्ना समा असीं सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरना है। गुरु पातशाह महाराज जी का अवतार उस समय दे विच होया जदों धरती के उत्ते जुल्म दी हनेरी झुल रही सी और अकाल पुरख वाहेगुरु की ड्यूटी लगी होने दे कारण सतगुरु महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी के 10वें जामे दे विच आए इस धरती को पापा तो मुक्त करने वास्ते अवतार धारण किया। और गुरु पातशाह महाराज जी कहते जद कभी धर्म की हानि होती है ना तो जी सृष्टि है सृष्टि में हाहाकार मच जाती है। सतो गुणी भले सतपुरुष दुखी होके रोके बैठ जाते हैं। रोके बैठन का मतलब की है भी लुक जाते हैं, पासे हो जाते हैं, जिन्हों के कोलों पापां का पापी पुरुषों का मुकाबला नहीं होता। वो सतोगुणी पुरुष जिहड़े दूर इस धरती तो अपने आप को बचा के परमेश्वर की बंदगी दे विच लीन रहने वास्ते पासे हो जाते हैं। और जिहड़े राक्षस बुद्धि होंदी है रज्जो ते तमो गुणी महा अपवादियां जालमां ने जिथे किते बोलबाला हो जाता है और जात इस तरह घोर जोर जुल्म ते पाप की काली बोली हनेरी चढ़ती है तां उह अदृष्ट सत चित आनंद निरंकार जिसके आसरे धर्म धौर खड़ा है, जिसके आसरे धरती खड़ी है, जिसके आसरे आसमान खड़ा है, वो निरंकार अपने नूर की बिजली लशकाउंदा है और अपने नूर दे विचों जिसदे नाल पापियां जालमां भै ते सतपुरखां उसकी होंद की धीरज बढ़ जाती है। जिवें एक डरे हुए मनुख नूं कोई आपदा दिस पवे तो वह डर जोड़ा है वाधा रह जाता है। और जो कोले आके मोढे ते हथ रख दवे तो जोड़ा डर जमें चक्या जाता है। कहते पापियां नूं भै हो जाता है और जिहड़ियां पुन आत्मा हुंदियां उन्हां नूं धीरज वध जाता है। जदों दुनिया के राजे बहुत जालम हो के अपनी प्रजा से जुल्म कर लग जाते हैं, अपनी प्रजा को बिना वजह तंग करते हैं ते प्रजा के लोग दुखी हो के अपनी रक्षा वास्ते आनंद शक्ति के अगे पुकार करते हैं, परमात्मा के अगे अरदास करते हैं। और साधु संगत जी, जदों अरदास सच्चे मनो की जाए तो निरंकार के दरगाह द्वारे से सुनी जाती है। पर अरदास करने वाले को भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए भी मैं अकाल पुरख वाहेगुरू अगे गुरु साहब अगे अरदास करता हाँ तो मेरी ये अरदास व्यर्थ ही नहीं जाएगी। महाराज कहते ना व्यर्थ ही कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। जन जन का अर्थ की है उस अकाल पुरख का सेवादार अपने आप को सतगुरु अगे जो समर्पित कर देने साढ़े आपा भाव मिट जाता है तो फिर वो अरदास जी दरगाह कबूल होती है। जिसनों नवार नवाते निरंकार किसी महा व्यक्ति को संसार दे विच भेजदा है। हुण अजिहा ही समा सी जदों हिंदू प्रजा औरंगजेब दे जुल्म राज हेठां बड़ी दुखी सी। औरंगजेब बड़ा जुल्म ढा रहा सी। आपां इतिहास तकरीबन सारे पढ़ते रहने हैं, तकरीबन गुरु पातशाह की कृपा है, सारे जानते हैं। लिखिया कहते सवा मन जनेऊ ला के औरंगजेब जिहड़ा वो अन्न पानी ग्रहण करता सी ते एक जनेऊ का जिहड़ा वजन है वो तकरीबन 5-4 ग्राम का मसा होंदा होगा क्योंकि सूत्र के धागे। हुण 5-4 ग्राम मान लो जनेऊ का वजन ते सवा मन कित्थे जाके पूरा होना। कई डरते मारे इस्लाम कबूल कर लेंदे सी पर कई आपदे धर्म च पक्के रहिंदे सी, उन्हां दा कतल कीता जांदा सी। इन्ना जुल्म हो रहा सी धरती ते। औरंगजेब दे राज हेठ बड़ा दुखी सी हिंदू समाज। इस समय किसी संत सिपाही व्यक्ति की लोड़ सी जिहड़ा कि जालम दे जुल्म का टाकरा करन दे योग होवे और जिस च शक्ति ते भगती दोवें गुण सम्मिलित होण, क्योंकि भगती तो बिना शक्ति नहीं है। जिहड़ी शक्ति है ना साध संगत जी, ये भगती का एक रूप है। पहला भगती है, फिर शक्ति है। पर अज दे जिहड़ा समा चलता ना, अज दुनिया पहला शक्ति भगती इनू करती ते शक्ति दिखाउण ते जोर हो गया। पर माफ करना, शक्ति का जिहड़ा है वो अटल है क्योंकि निरंकार की जोत है समाज दे विच वरत रही। और निरंकार की जोत तो बिना असी कुछ भी नहीं है। जिस शक्ति ते भगती दोवें गुण सम्मिलित होना, जो शक्ति नाल भगती की रखिया कर सके, भगती दे नाल जालम की शक्ति का प्रहार कर सके, इस महान कारज वास्ते निरंकार जी ने एक तप कर रहे महान तपस्वी नूं अपने पुत्र दा मान बख्श के संसार दे विच भेजिया। महान तपस्वी उन्हां नूं आपदा पुत्र दा मान बख्शिया निरंकार जी ने और संसार दे विच भेजिया। जैसा गुरु पातशाह महाराज जी ने अपनी कहा बचित्र नाटक दे विच फरमाया है, सतगुरु महाराज यह की वचन करते हैं, कहते अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जय बिद मोहयानो। हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त सरंग शोभत है तहां। सप्त सरंगत है नाम कहावा पंड राज जय जोग कमावा। तय हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। एह बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो। तात मात मोर अलख अरादा बहुबिध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा ताते भय पुरसान गुरदेवा। तिन प्रभ जब आय समोह दिया तब हम जन्म कलू महलिया। चेतना भयो हमरो आवन कह। देखो सतगुरु महाराज ते की कहते हैं, कहते चेतना भयो हमरो आवन कह। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो एम कह को ये लोक पठायो। विचित्र नाटक, विचित्र का मतलब विलक्षण ते नाटक का अर्थ है कथा। करगिया वाले पातशाह ने अपना जीवन आप लिखे, आप सारे जानते हो, क्योंकि दुनिया की ऐसी कलम ही नहीं बनी जिहड़ी दसवें पातशाह का जीवन लिख सके। हम सतगुरु महाराज जी के मुख वाक है ये महाराज की कहें सानू, कहते सप्त सरंग पर्वत जिथे पांडो राज ने जोग कमाया सी उथे हेमकुंड चोटी पर सी बहुत तपस्या करके निरंकार दे नाल एक रूप हो गए। निरंकार दे नाल और इस समय मेरे माता गुजरी जी और मेरे पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी उन्होंने अपने घर पुत्र प्राप्ति वास्ते अकाल पुरख की बहुत आराधना की। क्योंकि साध संगत जी आप जानते हो जेड़ा बच्चा साढ़े पैदा होंदा है ना, मान लो किसी अमीर घरे बच्चा पैदा होंदा है, उहदे कारण वो आपदे माँ प्यो नाल ज्यादा वड्डे होणगे फिर अमीर दे घरे पैदा। क्यों भी जन्मदे नूं सारियां सहूलतां मिलणीआं कुदरती परमात्मा की किरपा है। अज तुसीं देखो अज दे जमाने 'ਚ जिहड़े तकड़े बंदे है ना आपदे सारे सैट है, उन्हां दे घरे औलाद दी घाट है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बैठन नाम का जोड़ा है, नाम की जी कला घटती जाती है तो नाम की जी आराधना घटन के कारण जोड़े भाग वो मंदे होंगे जाते हैं। गरीबों के घरें जी औलाद का वाधा अज झुग्गियां चौबड़ियां वालों देख लो, जिन्हों के बच्चे है पर उन्होंने ना तो छत है ना पहनने कपड़ा ना पैरों से पाने वास्ते जोड़ा ना खाण का पता कदों मिलना। इस तरह हम श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के माता गुजर कौर जी के कुखों ते गुरु पातशाह के घरे जेड़े बच्चे ने जन्म लेना सी उहदी तपस्या पूर्ण होंदी तां फेर ही आना सी ना। जदों काफ़ी समा बतीत हो गया तो कहते औलाद दी सब नूं भुख हुंदी है। हुण महाराज कहते मेरे पिता जी मेरे माता जी उन्होंने अपने घर पुत्र प्राप्ति वास्ते अकाल पुरख की बहुत आराधना की और अकाल पुरख ने उन्होंने भगती के उत्ते प्रसन्न होके मैनू उन्होंने घरे जन्म लैन वास्ते हुक्म किया। मैनू उन्होंने घरे जन्म लैन वास्ते आख्या। पर मेरी बिरती अकाल पुरख के सिमरन रूपी चरणों के लगी हुई सी। जिहड़ा मेरी बिरती सी ना, मेरी सुरत सी, वो मेरे अकाल पुरख के सिमरन रूपी चरणों के विच लगी हुई सी। इस करके मेरा संसार आने वास्ते चित ही नहीं सी करता, मैनू संसार चंगा ही नहीं सी लगता। पर परंतु प्रभु ने मैनू जिस तरह भी हो सकिया समझाया बुझाया, और इस तरह मैनू इस संसार दे विच भेज दिता। अकाल पुरख जी ने की समझाया कि हे मेरे पुत्र दुष्ट दमन, जितने भी अगे मैं वड्डे वड्डे पीर पैगंबर अवतार दुनिया से भेजे है, कहते सारे अपना ही नाम जपवाउण लग पे, सारे अपना ही नाम जपवाउण लग पे। किसी ने भी सतनाम परमेश्वर का नाम नहीं जपवाया, सारे अपने आप ही लग पे। पार ब्रह्म नूं किसी ने पछाणिया ही नहीं। कहते इस करके अकाल पुरख वाहेगुरु ने परमात्मा ने की कहा। हुण महाराज कहते हैं, बचन करते हैं अपनी रसना के द्वारा। सतगुरु पातशाह महाराज जी फरमान पे करते ने क्यों पई दे रूप दे विच। कहते अकाल पुरख महाराज ने मैनू आख्या कि मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ प्रचार करबो कह साजा, जाहे तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। हुण देखो सतगुरु महाराज जी कहते देखो प्यारिओ, मेरा जिहड़ा जन्म है ना, ये अकाल पुरख वाहेगुरु की रजा के अनुसार होया है। और निरंकार जी ने मैनू की हुक्म किया, कहते पुत्र मैं तेनू अपने पुत्र का सन्मान दे के एक पंथ साजन वास्ते भेजना, जिहदा नाम खालसा। प्रगटो खालसा परमात्मा की मौज। जिवें जिवें आपां दसवें पातशाह महाराज जी का इतिहास पढ़ांगे ना, उवें उवें आपां नूं सारा सतगुरु पातशाह महाराज जी का जीवन वरतान का पता चलेगा। क्योंकि खालसा जिहड़ा है ना, ये कोई कौम नहीं, एक पंथ है। किसी किसी भी कौम के विचों खालसा सद सकता है, कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं। तो खालसा जिहड़ा परमेश्वर का पुत्र है, दसवें पातशाह का पुत्र है। रहो विचार, कहते मैं तेनू अपने पुत्र का सन्मान दे के एक पंथ साजन वास्ते भेजदा, उत्थे जगत में जाके धर्म का रास्ता तोलो ते खोटे कर्म करन तों लोकां नूं हटाओ। दसवें पातशाह जी का अवतार क्यों होया? कहते खोटे कर्म करन तो लोकां नूं हटाओ। कहते इस कारज वास्ते सतगुरु परमात्मा ने साडी ड्यूटी ला दी। हुण अकाल पुरख तो ये हुक्म सुन के ते कलगियां वाले पातशाह महाराज जी कहते प्यारिओ, कहते फिर मैं की कहा। हुण अकाल पुरख दे ते दाता जी दे वचन हो रहे। कहते मैं निरंकार दे अगे हाथ जोड़ के बेनती रूपी अरदास की। कहते ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते देखो निरंकार जी ने आपका हुक्म सुनाता। जिहड़ा सियाणा पुत्र होंदा ना, उहदे बाप की गल नूं लददा नहीं है। वो आदे बाप की गल में टोकता नहीं, क्योंकि पिता कोई भी होवे चाहे संसारी है तो चाहे परमात्मा दे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने, कोई भी बाप अपनी औलाद को माड़े पासे नहीं तोड़ता। कोई भी बाप अपनी औलाद का माड़ा नहीं सोच सकता। कहते निरंकार का हुक्म हो गया, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सिर नवा के बेनती की महाराज भी जोर जुल्म का टाकरा करने वाला पंथ तद ही चल सकता है जेकर तुसी आप सहाई हो। आप दी कृपा बिना मारे पंथ नहीं चल सकता। फिर आप जी फरमाउंदे है, कहंदे एह कारण प्रभ मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म थारे आयो, जिम तिम कही तिने तिम कहे हो करे हो, और किसू ते बैर न गहे हो। ये देखो इन्हां दोनों पंक्तियों ने महाराज ने सारा निचोड़ सानू समझाता कि जैम तैम कही तिमे तैम कहो, भाव की भी जिमें निरंकार ने मैनू हुक्म किया मैं दुनिया से आके उही कार्य करना, और किसी से बैर ना कहो भी होर मैं किसी के नाल भी बैर नहीं करना। कहते जद इस कारज वास्ते प्रभु जी ने मैनू परमात्मा ने मैनू भेजा तो मैं जन्म लैके जगत दे विच आया, जन्म लैके जगत दे विच आया हाँ। और जिस तरह उस अकाल पुरख ने मैनू आख्या सी उसे ही तरह मैं उन्हां जालम लोकां नूं समझावांगा और होर किसी पासों में अपना वैर नहीं लगाऊंगा, होर किसी नाल मेरा कोई वैर नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी जालम नूं ते जुर्म नूं खत्म करने वास्ते। आप जी दे इन्हां मुख वाकां बचना तो स्पष्ट है कि दुनिया उत्ते जुल्म ते उपद्रव हुंदे वेख के अकाल पुरख ने आप जी नूं दीनां दी रखिआ करन वास्ते और समय अनुसार योग समझ के हेमकुंड पर्वत ते तप करदे अपने एक विच एक रूप होई व्याप्ति नूं एक रूप होए ऋषि नूं एक रूप होए अपनी जोत नूं उस माता पिता दे राही संसार ते प्रगट कीता जिन्हां ने प्रभु दी बड़ी भगती करके पुत्र दी मांग मंगी सी, क्योंकि परमात्मा दा दर ऐसा है इतों ही सच्चे मनो मांग लिए देन लग्या देर नहीं करता, मंगी है पर मंगण वास्ते सार संग दी तुसी सियाणे हो, मंगण वास्ते मंगता बनना पैंदा है, दाता नहीं बनना पैंदा। ते असी आउने आ मंगण और एहसान करदे आ सच्चे पातशाह जी असी आ करांगे आ करांगे अखंड पाठ करवावांगे। अखंड पाठ काहदे विचों होवेगा? परमात्मा ने दित्ती हुई माया चों होवेगा, परमात्मा ने दित्ते हुए रिजक चों होवेगा। असी अरदास की करिए सच्चे पातशाह जी सानू दुनियावी पदार्थां दी इह चीज़ दी घाट है, साडे ते किरपा करो असीं आप जी दी बाणी नूं होर वधावांगे, क्योंकि अकाल पुरख वाहेगुरु प्रेम का पुख है ना कि किसी वास्तुओं का। वास्तुओं तो अकाल पुरख वाहेगुरु के दित्तियां रहो विचार। हुण सतगुरु पातशाह महाराज जी श्री गुरु तेग बहादुर जी जिवें पिछे आप जी के जीवन कथा में दस्या गया है, तीर्थ यात्रा करते हुए जदों पटने पुजे तो माता नानकी जी, महल माता गुजरी जी, मामा कृपाल दास, ये सारे सिखा सेवकों सहित सारे परिवार का पटने शहर विखे निवास का प्रबंध करके आप शांति की मूरत श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी राजे राम सिंह जयपुरीए की बेनती प्रवान करके उसके नाल आसाम देश में चले गए। माता जी, मामा जी, माता गुजर कौर जी और सिख सेवक इन्हों का पटने निवास किया और सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जगत नूं कल्याण हित जगत नूं तारन वास्ते आसाम देश की पासे चल पे। पिछों पोह सुदी सप्तमी शनिवार और ऐतवार की रात संमत 1723 नूं माता गुजर कौर जी की कुखों माता जी के गृह विखे साहबजादे का जन्म होया। आप जी अपनी कथा दे विच लिखदे, विचित्र नाटक विच लिखदे है, कहते मुर मात पूर्व मुर पित पूर्व कीस प्याना, भांत भांत क्यों तीर हनाना, जब ही जात तरवैणी भय पुन दान देना करत बितय, तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बे भव लयो। सतगुरु महाराज जी ने सारा जीवन अपना आप लिखे। हुण जिहड़े लिखारी है ना वो गुरु महाराज के जीवन तोड़ मरोड़ के लिख रहे हैं, पर जे सही जीवन महाराज जी ने असीं पढ़ना है तो बचित्र नाटकी पढ़ लईए तो सारा जीवन सतगुरु जी का सानूं समझ आ जाएगा। कहते मेरे माता पिता जी ने पूर्व दिशा वाल तीर्थ इशनान वास्ते जाना सी, तीर्थ इशनान। पर कदे फिर भी विचार होंदी रहिंदी है, तीर्थां ते इशनान करन दा भी सतगुरु पातशाह महाराज दा कोई प्रयोजन सी। जे महाराज गुरु नानक पातशाह जी गए ना, उत्थे आरती हो रही जिहड़ी अज भी पंडित ब्राह्मण लोग करदे आरती। हिंदू देखो आपां किसी दे मत नूं नहीं निंदना, ना आपां किसी नूं निंद सकदे, ना आपां नूं लोड़ है। पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दुनिया तो संसारी जीवों को तरन वास्ते सौखा रास्ता दस्या। होर जिहड़े धर्म सी ना, होर जिहड़े जो भी मतलब वखो वखरे मजहब सी, उन्हां दे विच जीवां दे आधार वास्ते बड़े कर्म कांड करने पैंदे सी, बड़े यतन करने पैंदे सी, भुखे प्यासे रहना पैंदा सी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सौखा रास्ता दस्या। ते जे गुरु महाराज किसी तीर्थ ते जांदे सन, उत्थे तीर्थां ते जो भी किसी कर्म कांड की हो रही अपना हुंदा सी, उसे सच का रास्ता दिखाने वास्ते जांदे सन। सतगुरु महाराज जी वचन करते हैं, कहते जदों गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे पिता जी त्रिवेणी प्रयागराज पहुंचे, उसे उन्होंने बहुत पुन दान करके कुछ दिन बतीत किए। उत्थे त्रिवेणी ही साडा माता गुजरी जी की पवित्र कुख में प्रवेश होया और पटने शहर में असां ने जन्म लिया। इस समय सियाणी दाई ते माता नानकी जी ने आप जी के चमकदे दमकदे मत्थे तो अते बालक के जन्म समय जो विलक्षण लक्षण अनुभव कर रहा कि ये कोई सधारण बालक नहीं है, ये एक कोई परमेश्वर की शक्ति रूप धारण करके साडे ग्रह विखे आई है। क्योंकि सतगुरु जी के जन्म समय आप जी ने होरना बालकों वांगू रोए नहीं सी। क्योंकि जिन्ने भी बच्चे पैदा होंदे है पहला बच्चे रोंदे, जे बच्चा रोंदा नहीं ना जवाक नूं डॉक्टर लवाउंदे, कहंदे बच्चा जिहड़ा ਉਹਦੀ ਧੜਕਣਾ ਘੱਟ है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ना ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦਾ जो भी ट्रीटमेंट करते है, बच्चे ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ है। पर सतगुरु पातशाह महाराज जी जब जन्मे ना, पैदाइश हुई उदों रोए नहीं और रोए नहीं, हौमे की आवाज़ प्रगट नहीं की, क्योंकि रोना की ਹੁੰਦਾ ਹਉਮੈ। और आप जी ਦੀਆਂ कोमल ਬੁੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂਰੀ मुस्कुराहट सी। मुस्कुराते हुए पैदा हुए। साहबजादे के जन्म समय कमरे 8 मुखिया दीवा जग रहे, क्योंकि उदों लाइटा का प्रबंध नहीं सी, घ्यो के दीवे जिहड़े जगाए जाते सन, जिहड़े कमरे के सतगुरु महाराज का प्रकाश होया ना जन्म होया उत्थे अठ मुखिया दीवा बढ़ रहा सी, जग रहा सी। और जदों आप जी का जन्म होया ना ऐसा प्रचंड प्रकाश होया भी अठां जोतां का प्रकाश उस कमरे फिका पै गया, जिवें सूरज के प्रकाश अगे चंद्रमा मात पै जाता। जदों सूरज चढ़ जाता ना चंद्रमा की जिहड़ी चनैन आ वो दिसणों हट जाती। आपां कहंदे चंद्रमा छिप गया, नहीं, चंद्रमा हुंदा ही आकाश दे विच, पर सूरज दा चंद नींदा हुंदा चंद्रमा की जिहड़ी लाट नूं, चंद्रमा की रोशनी नूं अपने च लको लैंदा। अगे कहंदे जदों सतगुरु महाराज जी का प्रकाश होया, दिन चढ़े ज्यों-ज्यों गली गुआंढ दे लोकां नूं पता लगा, त्यों-त्यों माता जी नूं आण के वधाईयां देण लग गए। अपनिया खुशियां प्रगट करन वास्ते माता नानकी जी पोतरे का चंद वर्गा मुखड़ा, मुख जो लाल कमल की तरह खिड़ रहा सी, वेख के बहुत ही खुश हुंदे, क्योंकि बड़े चिरा मगरों प्यास सी, भुख सी। पोतरे का चंद वर्गा मुखड़ा देखिया माता जी बड़े खुश होए, जो लाल कमल की तरह खिड़ रहा सी, वेख के बहुत ही खुश हुंदे। गुरु घर के श्रद्धालु माता जी को बधाइयां देने वास्ते मिल मिल के संगतां के रूप दे विच शब्द पढ़ते आ रहे सन। शब्द की पढ़िया उदों कहते, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, अनंत करह नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संत हो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रब रहिया सबनी ताई, रब रहिया सबनी जाई, रहाओ तुर की बाणी आई, तन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। सोठ राग का शब्द है, पंजवें पातशाह महाराज जी द्वारा उच्चारण किया, संगतां गा रही है। ये उही शब्द है जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के जन्म समय ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उच्चारण किया। जदों मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के जन्म होए सी ना, उदों पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शब्द उच्चारण किया सी, ते संगतां इसनूं बड़े प्रेम दे नाल पढ़ पढ़ के अपना सिखी प्रेम प्रगट करदियां आ रहियां सन। ढोलकियां, छैने और खुशियां के अनेक प्रकार के साज वज रहे सन। कड़ाह प्रशादियां देगा तैयार करके गुरु संगतां साहिबां के नाम दीआं अरदासां करके अपनियां खुशियां का प्रगटावा करदियां सन। उस समय बड़ा विलक्षण माहौल सी। कहंदे आकाशी देवते भी आए, भेस वटा के नटां दा रूप धारण करके देवी देवते कहंदे गाउंदे होए गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे ग्रह विखे आए। इन्नियां खुशियां होईयां। हुण वो जिहड़ा समा सी उदों जोतिष का समा भी सीगा, जदों सतगुरु महाराज जी का जन्म होया, अवतार धारिया ना, ते जन्म लगन वास्ते जोतषी नूं बुलाया गया। साहिबजादे की शोभा सुन के शहर के प्रसिद्ध जोतषी आए, पत्री लैके वधाइयां दित्तियां माता जी नूं साहिबजादे दे जन्म दीआं। साहिबजादे दे लगन का मुहूर्त देखना कीता। सोच विचार के उन्होंने माता जी नूं दस्सिया, माता, बालक का लगन ऐसा श्रेष्ठ है जिहड़ा अगे किसी के बालक का देखा ही नहीं। दुनिया दे विच ऐसो ऐसे लगन का बच्चा अजे तक पैदा ही नहीं होया। ये बड़े परोपकारी, लोगों के दुख दूर करने वाले होणगे। इन्हां दा संसार दे विच बड़ा जस फैलेगा, बड़ी विद्या के मालक होणगे और नीतिवान होणगे। जोतषियां दे कोलों बड़े प्रतापी होणगे। जोतषियां दे कोलों जस सुन के ना माता जी ने मोह मंगिया दान दिता जोतषियां। माता जी बड़े प्रसन्न होए। और ये जोड़े बचन से ना ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पहले माता जी को करते थे। वो बचन याद आते माता नानकी जी ने। यह सब कुछ वेख सुन के माता नानकी जी मन में बड़े प्रसन्न हुए, विचारते भी ये बचन मेरे पति श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के वाक सफल होए है, जिन्होंने की आख्या सी कि तुहाडे घर ऐसा प्रतापी पोतरा पैदा होवेगा जो सारे संसार में गुरु नानक देव जी के उज्जल नाम नूं प्रकाश करेगा। इन्हां विचारां करके माता जी बार बार गुरु नानक महाराज का धन्यवाद करते। देखो साहिबजादे का जदों जन्म होया ते पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को खबर भेजी, एक चिट्ठी लैके एक सिख के हाथ आसाम देश वाल सतगुरु महाराज जी को खबर भेजी। और साहिबजादे के जन्म की चिट्ठी लैके जो सिख गुरु पातशाह महाराज जी को मिले तो उधरों गुरु पातशाह महाराज जी ने चिट्ठी का जवाब भेजा भी हजे मैं जगत के आधार वास्ते मैनू कुछ समय इस इलाके च लगेगा, तुसी साहिबजादे का पूर्ण तौर पर ध्यान रखना, आए गए की सेवा करनी और जो भी कुछ मंगता है उन्होंने तुसी दाता दे के खुश करके तोरियो। इस तरह सतगुरु महाराज जी ने जवाब के रूप में चिट्ठी भेजी। माता जी को जो चिट्ठी मिली बड़े खुश हुए। अगे आसाम पहुँच के जो राजे का काम सौर जाएगा असी शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। माता जी का प्यार, साहब गुरु साहब जी वालों धीरज के असीसा भरी चिट्ठी आने के माता जी बड़े प्रसन्न हुए। जो भी मानत या कोई बधाई देन आंदा माता जी धन पात्र के मिठाइयां आदि के नाल प्रसन्न करके तोरदे। और साहिबजादे नूं छाए परछाए तो उदों इहो जिहे काम तो बड़े लोग डरते सी, क्योंकि पहले इतिहास दे विच लिखत सी कृष्ण महाराज जी नूं भी पूतना रूपी एक डैन ने अपने दुध दे उत्ते जहर ला के मारन दा यतन कीता सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं भी एक जिहड़ा सतगुरु महाराज जी दा रसोईया सी उहने जहर द्वारा मारन दा यतन कीता सी। हुण माता जी सब कुछ जानते सन। वो जो भी कोई गुरु महाराज जी दर्शन करन आउंदा ते माता जी दूरों ही गोद विच लैके उन्होंने दूरों ही दर्शन करा दिंदे, कोले नहीं सी जाण दिंदे, ना हटाउंदे सी, क्योंकि मन दे विच इह गल बणी भी सी भी किते कोई साहिबजादे नूं नुकसान ना पहुंचावे। साहिबजादे दा नाम गोबिंद राय रखिया गया। हुण गोबिंद राय जिहड़ा नाम है ना, ये नाम रखने का भी कारण है। कहते मैं अपना सुध तोहे नवाजा, पंथ प्रचार कर बे बकहो साजा, भी नाल धरती उत्ते आए हैं, इस करके इन्हां दा नाम गोबिंद रखिया। भाव गोबिंद नाम है निरंकार दा, अकाल दा, जिहड़ा चौं कुंडां विच प्रकाश होवेगा। गुर जदों सतगुरु महाराज जी का प्रकाश होया ना, जिहड़े प्रभु के प्यारे सी, जिहड़े जुल्म तो अके सी, जिहड़े जुल्म के कारण निराश होए सी, उन्हां च हिंदू भी सी और सहजधारी सिख भी सी ते मुसलमान भी सी। धर्म कोई माड़ा नहीं, धर्म कोई नहीं, अज भी नहीं माड़ा धर्म पर धर्मां दे विच कुछ माड़े लोग हुंदे है जिहड़े धर्म नूं बदनाम करदे। हुण जे आपां ब्राह्मण लाइए बई गंगू ने बड़ा ध्रोह कमाया, चुगली करके साहिबजादा नूं शहीद करवाता, फिट लाण दा अधिकारी है। पर भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ये भी ब्राह्मण सन। चार ब्राह्मणों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्ज है, जिहड़े जिन्हां दा ब्राह्मणों के घर का जन्म सी। इवें मुसलमान औरंगजेब ठीक है औरंगजेब ने बड़े जुल्म ढाए, होर वजीर खान वर्गिया ने जुल्म ढाए, होर जिहड़े इहो जिहे मुसलमान बादशाह हुए सी उन्होंने बड़े जुल्म ढाए। पर उस समय रबी रूहां भी सी। एक भीखण शाह फकीर होया, रियासत पटियाला दे पिंड घुड़ाम विच खुदा दा सीधा रब दा पहुंचा होया साईं लोग भीखण शाह इस समय अपने चेलियां दे नाल पिंड ठस के ठहरिया वा, जिहड़ा जिला करनाल दे विच है। जदों गुरु पातशाह जी का अवतार होया ना, जन्म वेले अमृत वेले साईं रब की याद च बैठा होया सी। पीर भीखण शाह अल्लाह की याद दे विच बैठा होया सी। उधर महाराज जी का अवतार हो गया। उसने अनुभव किया कि अचानक ही पूर्व दिशा वाल उसनूं रोशनी दिसी, क्योंकि प्रभु के प्यारियां दा आपस च मेल हुंदा है। आत्मा का शरीर का मेल भावें जदों मर्जी हो जाए, पर आत्मावां मिल जांदियां। साईं जी ने अपनी दूर दृष्टि नाल वेखिया कि इस दिशा में कोई महापुरुष जुर्म का हनेरा दूर करने वास्ते पैदा होया। इस गल नूं विचार के साईं जी ने पूर्व दिशा वाल खड़े होके अखां मीट लईआं। जदों अखां मीटियां और हाथ दोवें हाथ जोड़दे बड़े सत्कार दे नाल नमस्कार सजदा कीती ते दुआ पड़ी पूर्व दिशा वाल मुख करके दुआ पड़ी। साईं जी दे जितने इतने प्रेमांतर हो गए कि आप दी अखां दे विचों बिरहों दा नीर चल पिया। रोना बंदे नूं कई बारी खुशी च भी आउंदा है, दुख दे विच भी आउंदा है। कई बार असी इन्ने खुश हो जाइए ना, साडियां अखां 'च हंझू तां भी आ जाते। हुण साईं लोग कहंदे इन्ना आनंदचित होया, नीर चल पिया। जैसा गुरबाणी दे विच फरमान है, महाराज जी का वचन है कि हौं रह ना सका बिन देखे मेरे प्रीतमा, हौं रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जीव। बिरहों की दशा साईं जी ते वापर गई और साईं जी दे चेलियां ने कौतक वेख के बड़ी हैरानगी नाल पीर जी नूं पुछया, पीर जी अज तुसां पूर्व दिशा किसनूं सजदा कीता है? पूर्व दिशा वाले पासे तां हिंदू सूरज दे पूजन वास्ते सिर नवाउंदे आ, नमस्कार करते हैं। समा 5 मिनट का रह गया तो आप संखेप के साखी को समाप्त करके आप जी तो खिमा मंगनी है, क्योंकि संगतां का जिहड़ा समा कीमती है और जिहड़ा समय की कदर नहीं करता समा नूं रोल दिंदा। पर गुरु पातशाह का जिवें एक विचार संगतां नाल जो सांझे कर लांगे, क्योंकि हर हफ्ते हर रोज़ का गुरबाणी की लड़ीवार कथा चलती है। शाम के टाइम जो संगत हुक्म कर देंगे तो हर हफ्ते आप 10वें पातशाह महाराज जी का इतिहास नाल आप सरवण कर लिया करेंगे। रहो विचार कहते महाराज गल यह है भी हिंदू लोग इधर नूं सूरज नूं जल चढ़ाते हैं, इधर नमस्कार करते हैं। पर अज तुसी यह नवीं गल क्यों कीती? मक्का काबा ता पश्चिम दिशा वाल है। मरीदां पासों घबरेवें वाली गल सुन के साईं जी ने कहा, सुनो बरखरदारो, क्योंकि गुरबाणी दे विच भी महाराज ने कोई भेद नहीं लिखा। महाराज कहना दक्षिण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मकामा। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते चारे दिशावां दे विच ही निरंकार दा वास है, दुनिया एवें भुलेखां 'च तुरी फिरदी है। कहते सुनो बरखरदारो, मैं पूर्व दिशा नूं मूँह करके अज इस करके सजदा कीता है कि अज दीन भाव धर्म उत्ते दुनिया दे मालक मनुखा शरीर का धारण करके प्रगट हो। देखो किथे ठसका किथे पटना। ये सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी साडे विच विराजमान है ते सानू कई बार ये भी नहीं पता लगता भी हुक्मनामा किहड़ा ने। देखो साडी अरदास सानू भी नहीं पता लगता हुक्मनामा किहड़ा, भाई जी नूं पुछदे किहड़ा हुक्मनामा लिया, क्यों? क्योंकि सुरत नहीं, जिन्ना चर सुरत नहीं, जिन्ना चर प्रेम नहीं, उन्ना चर साडी जिहड़ी सुरत होर किते जिथे साडी सुरत ते काम चली जांदा। रहो विचार माफ करना। कहंदे अज इस दिशा दे विच दुनिया दे मालक ने मनुखा जन्म दे धारण करके प्रगट होए है और प्यारिओ खुदा दा अपना रूप है, खुदा दा अपना रूप है। मैं उसनों सजदा किया, उन्होंने दर्शन वास्ते मैं छेती ही पटने की धरती ते जाना चाहता है। जे किसी ने तुहाडे विचों मेरे नाल जाना तो तैयार हो। जदों ये गल हुई ना, अपने दो चेलियां नूं लैके पीर जी पटने वाल चल पे। महीने के पिछों जदों हौली हौली, क्योंकि अज वाला तो साधन नहीं सी, ना कोई मोटर गड्डियां सी, ना कोई प्लेन सी, ना किसी तरह का होर साधन सी, ज्यादा रात सी या फिर तुर के जाते। कहते महीना लग गया पटदे ने जूझ पहुंचे की वेखते है, जिधर किधर बाग हरे भरे लहला झूम रहे है। इउं जापदा जिवें किसी खुशी विच सारी बनस्पति दे विरछ एक दूजे को झुक झुक के बधाइयां दे रहे, खुशी प्रगट कर रहे। बेल बूटे फुलों नाल लदे हुए है। ये साहबजादे ते वरखा करन वास्ते किसी समय की डीह विच खड़े है। उस समय के मगरों पुछगिछ करके साईं जी मामा कृपाल दास जी नूं जा मिले। पुछदे पछाउंदे जांदे होए साईं जी मामा कृपाल दास जी नूं जा मिले, बेनती कीती, महाराज असी बहुत दूर देश पंजाब तो केवल साहिबजादे के दर्शन करने वास्ते आए और कृपा करके साडे मन दी मुराद पूरी की जाए। पीर जी ने इच्छा जदों कृपाल दास ने अंदर जाके माता जी नूं प्रगट की, माता जी ने मन विच बड़ा भरम किया भी ना जाणीए ये साईं औरंगजेब दा भेजा होवे, वी की पता। क्योंकि पहला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी हीर किए गए सन, भी की पता है ये औरंगजेब दा भेजा होवे। और जो वो जालम नूं पता लग गया तो कि वो इन्हां नूं दिल्ली ही सद लवे। वेखो ना, श्री गुरु श्री हरकृष्ण जी जो अजे बाल माता दे सन, 5 साल की उम्र गुरु हरकृष्ण महाराज जी 5 साल की उम्र च सी जदों उन्होंने गुरदा गद्दी मिली ते 8 साल की उम्र च जोती जोत समा गई और पढ़ रखिया महाराज ने। जो दिल्ली गए ना सातले सतगुरु महाराज जावड़े, जो बादशाह ने मिलने वास्ते बेनती की ना गुरु पातशाह गुरु हरकृष्ण महाराज जी नूं, 8 साल की उम्र देखो उदों ही फैसला ले कहंदे बादशाह साडे पिता गुरु गुरु हरराय महाराज जी का वचन है भी फरेबी दे मत्थे नहीं लगना, असीं तैनूं नहीं मिलना। रहो विचार। पर दिल्ली सद लिया उन्होंने, परण कर लिया सी कि असां इस जालम नरंगे दे मत्थे नहीं लगना। अपने परण नूं पूरा करन वास्ते उन्होंने शीतला, उत्थे शीतला दा कौतब जिहनूं चेतक कहंदे, क्योंकि सतगुरु महाराज आप साडे रोग नाले सर्व रोग का औषध नाम, उन्होंने किहड़ी बीमारी लग सकती सी? नरंगे दे मत्थे ना लगना, लगन वास्ते उन्होंने शीतला दा कौतक रचा के अपने शरीर को त्याग दिता बाला साहब ने। और जो त्यागता वो तुर्क राज मद हंकारे हुए है, इस करके कारण ही अपने नाश वाले काम करते है। इन्हां विचारां अनुसार ही पीर जी नूं मामा कृपाल जी ने आण के आख्या, पीर जी साहिबजादा अजे बाहर लिआउण दे योग नहीं, साहिबजादा अजे बाहर लिआउण दे योग नहीं है और असीं तुहानूं बच्चे का शरीर बड़ा सोल है, बाहर हवा बड़ी तेज बर्फ समान ठंडी चल रही है, फिर जदों तक इन्हां दे पिता गुरु जी इन्हां दा मूँह नहीं वेख लैंदे तद तक मत दे पराए पुरश नूं इन्हां दे मत्थे लगाउणा ठीक नहीं है, बहाना मारता। इसे करके तुसीं फिर किसी समय जदों भी दर्शन करके करने होण बड़ा लाभ होवेगा। हुण तुहानूं जिस चीज़ की लोड़ है, खाण पीण की, होर कोई धन की, पहनण दी, तां हुक्म करो असीं हाजिर कर देंगे। साईं जी ने कहा भाई साहब जी बेनती है, क्योंकि साईं जी दृढ़ विश्वासी सन, कहंदे तुसीं किसी प्रकार का डर ना करो, क्योंकि वो भी जानते सी, कहंदे तुसीं किसी प्रकार का डर ना करो, ये खुदा का रूप अवतार है और डर रूपी हनेरे नूं दूर करने वास्ते दीपक है। मैं इन्हां दे दर्शन करन तो बिना होर कुछ नहीं लेना चाहता, मैं कुछ नहीं लेना महाराज, मेरा दर्शन करने हैं। कहते साईं भीखण साहब भुख हड़ताल से बैठ गए, सतगुरु जी के दरवाजे से भुख हड़ताल से बैठ गए। हुण संखेप दे समाप्ति करिए। आखिर नूं यकीन आ गया माता जी नूं, मामा जी नूं, परिवार नूं भी ये वाकई दर्शन करना आए है। और जदों उन्होंने साईं भीखण साहब जी ने दर्शन करवाए ना, तो साईं जी ने लिखा कहते दो कुजियां दो भांडे ले ले, हाथ में एक दुध पा लिया, कुछ पानी पा लिया, परख करने वास्ते भी ये सच्ची रूह है कि इन्हां विच कोई भिन्न भेद है। जदों सतगुरु महाराज जी का दर्शन करवाया ना, साईं जी ने जदों नमस्कार की, डंडौत बंदना की, परिक्रमा की, और उन्होंने बाल गुरु गोबिंद राय महाराज सच्चे पातशाह दसवें पातशाह जी के सामने अपने हाथों लईआं होईआं दो कुजियां सामने करतीआं। देखो गुरु पातशाह महाराज जी का कौतक, उन्होंने हथ कपड़े चों कढे अपने और दोनों कुजियां ते रखते, भाव कि साईं जी का इशारा यह सी भी तुसीं हिंदू हो जां हिंदुओं की रक्षा करोगे जां मुसलमानों की। तो सतगुरु महाराज कहते मैं दोनों धर्मों को नाल लेके चलूँगा। अज उस भाषा का अवतार पर्व मना रहे हैं। सो समा समाप्ति का हो गया जी, होईआं भुलां दी माफ़ी। गुरु ते गुरु दीआं प्यारियां संगतां बख्शणयोग बेनती है, अपना फर्ज की बनदा है। देखो दसवें पातशाह महाराज का इतिहास आपां पढ़दे हां, पिछले हफ्ते पिछले अपना मंथ के गुरु पातशाह महाराज जी देखो कि कौतक है महाराज। पोह के सतगुरु का अवतार पर्व जिथे पटाके चलते, दीपमाला हो रही है, लंगर लगते है, खुशियां के वाजे बजते हैं, तो पोह के महीने के परिवार विछोड़ा, शहीदी जो बच्चों की शहीदी, साहिबजादे की शहीदी, माता जी की शहीदी। देखो सतगुरु महाराज जी ने क्यों, क्योंकि वो निरंकार की रजा के कौतक करते सी, ना कि उन्होंने कोई मारन वाला सी। औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी दीने कांगड़ की धरती को, वो सिर्फ औरंगजेब ने फटकारा पाइया, और कुछ नहीं उन्होंने माड़ा क्या फटकारा पाइया। दसवें पातशाह महाराज चिट्ठी पहला भी लिख सकते सी, पर नहीं, क्यों नहीं लिखी? जो पहला लिखते तो फिर तो सारा काम निरंकार की रजा तो उल्ट हो जाना सी, पर नहीं, उन्होंने निरंकार की रजा के मुताबिक जो भी उन्होंने ड्यूटी ला के संसार से भेजा, वो सारा कार्य हूबहू करके समय समय के मुताबिक। सतगुरु महाराज ने जुल्म का भी अंत करता, पाप की जड़ पड़ती, उदू मुड़ के कोई पापी राजा नहीं होया। हो जा जे होया वो सिंघां ने सोता, जे होया ना वो सिंघां ने सोता। क्यों? क्योंकि खालसे नूं साज के महाराज जी फेर ज्योति जोत